गाइस, आज जो है हम द्वार रेस्टोरेंट हॉक्स पे वाली में जा रहे हैं और हॉक्स पे तो आगे है और अपनी टर्टल बीच सैंडस्पर्ट पर ये जो है आप देख सकते हैं। मैंने सोचा आप लोगों को मड़ई थोड़ा सा, क्योंकि द्वार की बहुत सी ब्रांचेस हैं और मेरे हैदराबाद शहर में है, रांची में है, पर मैं वहाँ नहीं गई। पर मेरा ये था कि मैं आप लोगों को हॉक्स पे वाली ये द्वार जो है रेस्टोरेंट दिखाऊँ। और ये वैसे आई एम नॉट देसी लवर, मुझे देसी खाने अच्छे नहीं लगते, तभी मैं नहीं हूँ। गाइस, दे हैव अ प्ले एरिया टू, क्योंकि हॉक्स पेपर है, पानी के साथ थोड़ी और एंटरटेनमेंट होनी चाहिए थी। मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ। एरिया है और आप देख सकते हैं, भाई क्या मड़ाई, तुम लोगों का टाइम वेस्ट करने का मुझे शौक है, इसीलिए जो है ना आप लोगों के लिए मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। सो गाइस, मैं जो हूँ उस हट में बैठना चाह रही हूँ जो कि सी के बिल्कुल करीब है। ये रही हमारी दुआ के हाथ, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हम दुआ मांगेंगे। हाउ यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। और वैसे भी आज हमारा नहाने का इरादा है, तो हमारे जो है पैर शेर वैसे ही रेती में आने वाले हैं। दैट्स टू गर्म। अई गधे घोड़ा बिल्ला बकरियों हाथी शी हैं, सब आए ना, इंतज़ार करना रहो। आप देखें, यू नो मैं जो हूँ डीएचए वाला नहीं, वो जो अपना सीवीओ वहाँ नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत केकड़े हैं और ही वो मुझे हॉक्स पे वणंदो आहे। हे त ख़ैर द्वार रेस्टोरेंट हो या डज़न मैटर, पर ही मूंखे इन करे वणंदो आहे जो हिन में केकड़ा कोन आहिनि। एरम तो गाइस, हम जो है ना ये छबर वाली हट में वही रहा हूं। हैं ना, असके चाहे तो असि इतने लंच तक कौन दींदी, असं परे पवंदी किचन का, पर अस इतने डिनर दींदा नूड पॉइंट अस जिद कर इतने ही वेणो। हवा भी लगे एक तो गर्मी थी मारे शहर में, तो अस हाँ बर्थडे सेलिब्रेट कहता। सो गाइस, मैं जो हूँ आप लोगों को मेन्यू दिखाने वाली हूँ। हमेशा की तरह मेरे ब्लॉग में मेन्यू लाजमी होता है। इनके पास स्टार्टर्स हैं, दुआ वरी अच्छा ऐसो बैकग्राउंड सी व्यू जो माना जो है ना बैकग्राउंड ठाई कर लिखो है। और ये जो है हमारी दुआ रेगुलर कढ़ाई, मैंने कढ़ाई है देसी मतलब नहीं दिया है, मुझे नवर। और इनकी जो एड्रेस है, प्लीज़ आप अपने फेसबुक पर सर्च कीजिएगा, पर फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर ब्रांचेस आप ये देखें, ब्रांचेस देखें, मैं रुक रही हूँ। तो गाइस, हमारा खाना खुल रहा है। इरम इतना गुस्सा हो रही है मुझे कि मुझे कहाँ पर लेके आई है, तो मैंने कहा कि ये है हमारी चिकन बिहारी, सॉरी हाँ चिकन मलाई बूटी द्वार रेस्टोरेंट की। और ये है हमारे चिकन रेशमी कबाब द्वार रेस्टोरेंट के। ये हमारा सैलेड चटनियाँ और मेरे रायता यार चिमचो कर या दिस इज रायता चिमचो हिते चो पेवा इनके वॉश करें। हाँ यार, इन लोगों के पास लंच में कोई खास खाना अवेलेबल नहीं था और कढ़ाई हमने कल ही खाई थी विक्ट्री हाउस पे। ये है आप देख रहे हैं, बाकी मैं डिटेल्स बता। वैसे तो द्वार का बड़ा नाम है, अच्छी रेस्टोरेंट से हाईवे पर जो है हैदराबाद में, पर हॉक्स पे पर लंच पे जो है ना इन लोगों के पास कुछ खास अवेलेबल नहीं था, तो मजबूरन में हमने बिरयानी मंगवाई और बारबेक्यू के आप लोगों के सामने मलाई बूटी और रेशमी कबाब मंगवाया। पर मनी मज़ा नहीं है और एम्बियंस भी लंच के मामले में मज़ा नहीं देती, इसलिए कि यू नो धूप है, हवा है, हवा तो है खैर, धूप है और मच्छर मक्खियाँ, तो मे भी रात को मज़ा है पर यार नहीं इतनी, मतलब बिल्कुल दो दरिया की अपनी बातें, बिल्कुल इसमें समंदर के किनारे पर बैठ कर खाना ये मट्टी, मतलब नहीं आप लोग इसको एंजॉय कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। ये इनका किचन है, मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखा दूं। ये सारा आप देख सकते हैं गाइस, मेरा बस हो तुम लोगों को ये जो बनाते हैं ना वो भी दिखाऊं। डाटो मारा खाएंगे उस मैडम जी के लिए। तो गाइस, इन लोगों के पास जो है ना किनारे, हाँ उस समय नहीं था जन दुआ पान छापी है दुआ बेचरी लाए किड़िया
जो गरीब दुआ जो पढ़ा था प्यान बती। हाँ तो गाइज एक्चुअली दुआ रेस्टोरेंट के पास भी आपने देखा था कि समंदर था और हम वहाँ भी उतर सकते थे, पर वहाँ पे जो गहराई वो छोलियाँ वो मज़ा नहीं था, तो वो फिर हम इस तरफ आ गए जहाँ पर सैंडस्पर, इंडस, हॉक्स बे, ऑक्सफोर्ड और वो क्या अपनी टर्टल सारी हैं। तो किसी एक में हम उतरने जा रहे हैं। गाइस सबसे पहले मैं पानी में डूब कर नहीं जाकर चाय पीऊँगी, और मैंने दुआ पे इसीलिए चाय नहीं पी क्योंकि मैं हमेशा यहाँ कर चाय पीती हूँ और बचपन से लेकर मैं इसी तरफ आती थी। ये वाला साइड मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाकी होते तो बताया मैंने किकड़ा है ना पहाड़ वाले सीजू में। Are you going? छोली अच्छे पेर साफ थी ना शवसे तेज वाली छोली हिंदा फिर नई अच्छी शायद मौसम सुनो बारिश होंगी और कोई दिया